आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी में। दोस्तों मैं आज आपको प्रोवर्ब्स बताऊंगा। ये वो प्रोवर्ब्स मैंने अलग अलग छांट के लिखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्स में इनको पूछा जा चुका है, तो मुझे लगता है कि इनको आपको सबको याद कर लेना चाहिए। इन प्रोवर्ब्स से देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं आज आपको बता दूंगा। ये सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक इस तरह से याद रखना है कि कोई भी जहाँ पर एस लग रहा है उस एस को भी आपको याद रखना होगा। कोई मिस्टेक नहीं करनी, आपको ये सारे के सारे याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रोवर्ब से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसमें आप अपना कुछ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोवर्ब जो होती है वो फिक्स होती हैं, आपको याद करनी होंगी। अच्छा चलते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले जो ये दे रखा है इनमें किस तरह से क्वेश्चन आएगा पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या होता है, प्रोवर्ब्स आपको दे देता है। अब यहाँ पर क्या रखा है, जैसे मान लो यहाँ पर खाली जगह दे रखी है ना, यहाँ पर भी खाली जगह दे रखी है, कभी कभी पूछ लेता है वो, तो ऑप्शन में देता है जैसे ए बी सी डी लिखेगा तो इज आर एम बॉज वर। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल होता है, तो आगे ऑल के बाद आने वाली जो वर्ब होती है उसमें इज आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। अब इसी तरह से एंड में भी आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पर एंड एंडेड एंडिंग या फिर एंड्स आता है, तो आप सबको पता है कि यार ऑल इज़ वेल दैट उसके बाद एंड्स ही आता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको प्रोवर्ब्स याद करनी पड़ेंगी। जो मेन मेन है मैं उनको बता देता हूँ, एफसीआई में भी इनसे पूछा गया था। तो विशेषकर आपसे निवेदन रहेगा मेरा कि आप अच्छी तरह से इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो इनको ज़रूर एक बार रिवाइज करके जाएँ। चलते हैं। देखिए, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, इसका मतलब सबको पता होगा कि अंत भला तो सब भला, राइट ना। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, बस याद रखना यहाँ पर एज आता है और यहाँ पर एंड्स आता है, क्लियर है ना। नेक्स्ट है एन एम्प्टी वेशल साउंड्स मस, इसका मतलब होता है ये जैसे खुला, जैसे कहते ना अध जल गगरी छलक जाए, तो उस तरह का जो मुहावरा होता है उसमें इस तरह से पूछ लेता है। यहाँ पर वो ऑप्शन देगा, जैसे देखो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर देगा ऐसे साउंड, है ना, साउंड दे दिया, ये खाली छोड़ेगा इसको साउंड और फिर लिखेगा साउंड्स, तो अब फिर लिखेगा साउंडिंग। अगर आपको ये याद होगी तभी आप इसमें कर सकते हैं ना, और डी वाला एन या फिर कुछ और दे देगा, तो अगर आपको याद होगा तो आप इसमें आराम से भर देंगे कि यार इसमें तो साउंड्स आता है। तो कुल मिलाकर के आपको याद करना पड़ता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, हेस्ट मेक्स वेस्ट, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो हेस्ट मेक्स वेस्ट। नेक्स्ट, एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन, इसका मतलब ये होता है कि जो एडवर्सिटी होती है ना, यानी कि विपत्ति का साथी, जब हमारा बहुत टाइम खराब होता है तो उस टाइम हमारा कोई भी साथी नहीं होता है, तो एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन, तो राइट ना, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर फ्लैटर्स आता है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ इनको कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि देखो यहाँ पर ये छोड़ दिया था और ऑप्शन दे दिया था फ्लैटरिंग फ्लैटर्स फ्लैटर्ड, तो इसलिए मैंने इनको बताया कि यार आपको ये ज़रूरी है, आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो इसलिए इनको एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, बेटर टुडे देन टुमारो, राइट ना। अब इसका मतलब होता है कि कल करे सो आजकल, यानी बेटर टुडे देन टुमारो, कल से अच्छा आज है, तो यहाँ पर वो पूछेगा देन दे देगा या फिर है ना टू दे देगा, विद दे देगा, तो याद करेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पर देन ही लगाएंगे। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, देखो तीन तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया था। एक में तो यहाँ पर खाली जगह छोड़ी थी, उसमें पूछा था कि इज आर एम वॉज वर क्या आएगा, है ना, तो इज आ गया। इसमें पूछा गया था दा विद टू क्या आएगा, तो हमको पता है कि यार बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो उससे पहले दा ही आएगा, राइट ना। इसमें बेटर दिया था, बेस्ट दिया था, गुड दिया था, तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का मतलब हमको पता होता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसका मतलब होता है कि आप प्रिवेंशन, इसको तो सबको पता होगा ना, यानी कि अगर आप कोई इलाज करते हैं तो उससे अच्छा है कि बचाव ही सबसे सर्वोत्तम उपाय होता है, तो प्रिवेंशन यहाँ पर इज आएगा, इज आर एम एस ए इज ही आएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इसका मतलब है कि आप एक ही पत्थर से दो निशान यानी दो पक्षियों को मारते हैं, है ना, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि एक पंथ दो काज, इसमें पूछा जा सकता है। यहाँ पर टू वर्ड्स की जगह थ्री वर्ड्स दे देगा, फोर वर्ड्स ऐसा पूछा गया, एक्चुअली उसमें फोर वर्ड्स लिख रहा था, तो फोर वर्ड्स थ्री वर्ड्स, तो हमको पता है कि उसमें क्या होता है, टू वर्ड्स ही आते हैं, दो पक्षी आते हैं, तो हम उनको याद कर लेंगे। नेक्स्ट, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी एक दिन के अंदर रोम जो होता है वो नहीं बनाया सकता, मतलब है ना, जैसे कारस धीरे होते हैं काई होत अधीर, तो इस तरह के जो पूछे आते हैं उनमें क्या होता है, यहाँ पर रोम के बाद वॉज ही आता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट है,
बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो आप इसे याद रखें कि यहाँ पर बाइट आएगा, बाइट से नहीं आएगा। ऑप्शन दे रखा था बाइट, बाइट्स, बाइटिंग, बाइटेड, तो हमको पता है कि डॉग्स एक से ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर बाइट ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी चमकने वाली ना हर चीज़ सोना नहीं होती है। तो इस हमको मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि सबको आपको याद ही करना पड़ेगा, तभी अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ होते हैं। नहीं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो यहाँ पर ग्लिटर्स आता है ना, ग्लिटर, ग्लिटर्ड, ग्लिटर्स, ग्लैटरिंग, कुछ नहीं, ग्लिटर्स आएगा, आगे ए जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन का मतलब होता है कि समय पर अगर एक टका के ना नौ का काम देता है, अगर समय पर कोई काम किया जाता है, टाइम पर अगर कोई काम किया जाता है, तो वो बहुत कुछ अच्छा टाइम जो बैड वर्क होता है वो आपका बचा देता है। तो यहाँ पर इस तरह से पूछा जा सकता है कि यहाँ पर देखो इस तरह से पूछा गया था, यहाँ पर लिख रहा था 9 6 1 2 6 9, तो इसमें आ जाएगा 9, क्योंकि अ स्टिच इन नाइन नाइन, तो अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। नेक्स्ट देखिए, अ बैड नेम इज वर्स देन बैड डीड्स, इसका मतलब ये होता है कि बद अच्छा, बदनाम, बुरा, तो इसमें क्या होता है, डीड्स होता है। ऑप्शन में दिया था डीड, डीडिंग, डीड्स और डीड। ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं लिखे ताकि अगर ऑप्शन बताऊंगा तो डेफिनेटली फिर अच्छी तरह से नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट में सीरीज दे दूंगा आपको। नेक्स्ट देखिए, आग है एन एम्प्टी ब्रेन इज अ डेबल्स वर्कशॉप, इसमें पूछा गया था, इसका मतलब है कि जो आपका है ना खाली बैठे शैतानी सूझे, यानी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वर्कशॉप होता है, तो यहाँ पर वर्कशॉप दे रखा था, मार्केट दे रखा था, तो इस तरह से ऑप्शन जो दे रखे थे उनमें हमें पता है कि वो वर्कशॉप ही आता है इस तरह के प्रोवर्ब्स के अंदर। तो दोस्तों ये मैंने 14 आपको बताए, नेक्स्ट सीरीज में अभी अपलोड कर देता हूँ, तब तक के लिए आप सब इनको एग्जाम्स की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, तो इनको अच्छी तरह से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपने जो मुझे सपोर्ट किया उस सपोर्ट और प्यार के लिए आपका बेहद रियली थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, और अपने दोस्त, जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं पता है कि देखो एग्ज़ाम्स की तैयारी हम यूट्यूब से भी कर सकते हैं, आप हमारे राम सर भी तैयारी करा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जिस तरह से मैं आपकी मदद कर रहा हूँ उसी तरह से डेफिनेटली आप भी मेरी मदद करिए, और आप कर भी रहे हैं, इसके लिए रियली बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।